कोरबा लोकसभा पर सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वोट डाला। आईबीसी 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरबा में कोई मुकाबला नहीं, जीत कांग्रेस की ही होगी। सभी सीटों पर भूपेश सरकार के मंत्रियों की दौड़ लगी हुई है। यहाँ पे कोरबा लोकसभा सीट को लेकर के राजस्व मंत्री यहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रहे। राजस्व मंत्री जी हमारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की चुनौती है कोरबा लोकसभा सीट में और क्या माहौल है। सर, चुनौती कुछ है कि कोरबा लोकसभा नहीं, कोरबा सीट पे कोई चुनौती नहीं है और हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भाभी जी श्रीमती ज्योत्सना महंत प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट में विजय श्री हासिल करेगी। कोरबा से जो भाजपा ने अपने सांसद मौजूदा सांसद को चेंज किया था, नए चेहरे पर दाव खेला है ज्योति नंदूबे पे, क्या उसका कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है कांग्रेस को? उसका फायदा वो तो जो पुराने जो सांसद थे उनको उनकी निष्क्रियता और निठल्लेपन के कारण उनको हटा के और दूसरे व्यक्ति को दिया है, लेकिन जो जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसकी भी कोई अपनी कोई ऐसी कोई खास पहचान नहीं है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि जिसकी वजह से उसको कोई वोट देंगे। वोटों का अंतर क्या है, कितने मतों से आप जीत दर्ज करें, कुछ ऐसा आंकड़ा? वोटों का अंतर अच्छा रहेगा, हम अच्छी वोटों से इस लोकसभा में पहले जितने भी वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हो उससे ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे। तो ये थे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, जो साफ कहना है कि कोरबा लोकसभा सीट पर वो जीत दर्ज करेंगे। जो पुराने सांसद हैं तो मौजूदा सांसद हैं उन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और कांग्रेस की जीत की बात कही है। धीरज दुबे, आईबीसी 24, कोरबा।